गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, किमछो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कई बच्चे मुझसे एक चीज बार बार पूछ रहे हैं और लगातार मैसेज आ रहे हैं, लगातार लोग जानना चाह रहे हैं, सर यदि मैं इस बार फिर से नीट की तैयारी करता हूं तो क्या गारंटी है कि 2025 में फिर से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, फिर से पेपर लीक की घटनाएं नहीं आएंगी, फिर से जो है वो जितना इस साल उठापटक हुआ 24 के दौरान, क्या 25 में नहीं होगा? सर आप बताइए ना हमको। देखो बेटा, इंसान की एक फितरत है कि वो जनरली जो है उन चीजों पर फोकस करता है जो उसके कंट्रोल में नहीं होती है। आप एक बात बताओ कि एग्जाम की सेंसिटिविटी की बात करें, शुचिता की बात करें, एग्जाम की ऑनेस्टी की बात करें, ये सब जो है बहुत सारे लोगों के हाथ में। हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम पढ़कर कितना नंबर स्कोर कर सकते हैं, कितना पेपर हम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में। ठीक है, जो हमारे हाथ का है ना उसमें हमें कोई कमी नहीं छोड़नी है, जो हमारे हाथ का उसमें हमें कोई कमी नहीं छोड़नी है। और जो दूसरे के हाथ का है ना वो उस पर, देखो सिंपल सी बात है कि आज कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी नेट का एग्जाम हुआ, 2-3 दिन पुरानी बात है कि जो है वो नेट का एग्जाम हुआ अभी, और आपको पता होगा कि चिन्मय सर अपने यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। चिन्मय सर की जो वाइफ है चारू मैडम, पहले अपने बायोमेंटर्स में ही जो है वो केमिस्ट्री देखा करती थी, उन्होंने भी पेपर दिया। तो चिन्मय सर मुझे कल बता रहे थे कि सर है ना, चारू मैडम ने बताया होगा उनको कि इस बार पेपर का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट आया, जबकि यही वो नेट का पेपर था, इसके लीक होने की खबर चल रही थी कि पेपर बाहर आ गए। इस बार NTA ने पेपर बनाया, उन्होंने उन हिस्सों से क्वेश्चन पूछे जिनसे वो पहले क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे। क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा था, पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर था, मतलब NTA ने जो है वो अपनी गलतियों को सुधारा है हर आने वाले अपकमिंग एग्जाम के साथ में। तो चिन्मय सर यही बोल रहे थे कि सर देखो, इससे ऐसा लग रहा है देख के कि 25 का जो नीट का जो पेपर आएगा उसका लेवल बहुत अच्छा होगा। NCERT के उन हिस्सों से भी क्वेश्चन आएंगे जिनसे अभी तक नहीं पूछे गए। NCERT से ही यदि पेपर बनता है तो पेपर का लेवल तब भी बहुत अच्छा होगा, कॉन्सेप्चुअल लेवल होगा वो, और कुछ नई चीजों को पूछेंगे तो अनसीन पैसेज दे देंगे आप, उसके आधार पर वो आपसे कंक्लूजन पूछ सकते हो। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ कि 2025 में जो नीट का एग्जाम होगा आप देख लेना, ये जो है वो लैंडमार्क एग्जाम होगा, लैंडमार्क के मतलब एक अलग ही लेवल पे एग्जाम होगा, और वो NTA ने उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। हर एग्जाम आप देखिए, अब NTA का जो हर एक एग्जाम है ना वो किस लेवल पे होता है आप खुद समझ जाएंगे। कुछ मत कीजिए, पेपर को डाउनलोड कर दीजिए इंटरनेट से निकाल के, आप समझ जाएंगे। पुराने पेपर देख लीजिएगा और अभी का पेपर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि NTA जो है वो किस बेइज्जती के बाद वो कैसे बदला लेने के लिए अपने आप को उसने तैयार किया हुआ है। तो इसलिए जो है कि 25 में क्या होगा, कैसे होगा, बेईमानी तो नहीं होगी, ये तो नहीं होगा, अरे भाई हमारे हाथ में क्या है बता दो मेरे को। जो चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं उन पर हम कैसे, उन पर हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर हम मेहनत कर सकते हैं, जो कंट्रोल के बाहर उस पर मेहनत करना मुश्किल है। ठीक है, मेरे एक मित्र हैं, उनका क्लासेस है, उनका मतलब जो है वो कोटा में है, कोचिंग क्लासेस है, तो बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब इस साल जो है वो कोटा के अंदर बच्चा बहुत कम है, इस बार कोटा में बच्चा जो है, जो हर साल जितना बच्चा होता था उसका जो है 1/4 बच्चा वहां रह गया है, बच्चे कोटा नहीं जा रहे पढ़ने के लिए। और तो और जो कोचिंग क्लासेस जो है वो शहरों में खुले हुए हैं, ऑफलाइन क्लासेस, वहां भी बच्चों की संख्या बहुत कम है। तो उनका पूछना था क्या लोगों ने नीट की तैयारी करना ही बंद कर दिया है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इतना कम स्टूडेंट एकदम से कैसे हो गया। और जो मेरे मित्र ऑनलाइन में है उनका बोलना है कि भैया ऑनलाइन में भी बच्चे कम हो गए बहुत तेजी से। मैंने एक ही बात बोली, बच्चों की संख्या कम है या ज्यादा है आप इस फेर में मत पड़िए, आप ये देखिए कि जो चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर है उनमें हम क्यों दिमाग लगाएं। हमारे पास जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बेस्ट मिलना चाहिए, उनको बेस्ट मिलना चाहिए, चाहे ऑफलाइन क्लासेस में हो चाहे ऑनलाइन क्लासेस में हो, ठीक है, दे डिजर्व टू बी बेस्ट, कि वो बेहतर के लिए डिजर्व करते हैं वो। और मुझे ऐसा लगता है कि इस कट ऑफ ने बहुत सारे बच्चों की हिम्मत तोड़ दी है। 650 नंबर का कट ऑफ देख के बच्चे सोच रहे हैं कि अरे पता नहीं है 660 नंबर, कल पता चला कि इस साल अपन 660 टारगेट कर रहे हैं, 680 कट ऑफ चला गया तो क्या कर लेंगे हम। तो बहुत सारे बच्चे ने जैसे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपसे कि कट ऑफ का ऊपर बढ़ना जो है ना वो डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे। ठीक है, पेपर का लेवल अच्छा होगा तो कट ऑफ नीचे गिरेगा। दूसरी बात है कि पेपर का लेवल अच्छा होने पर अननेसेसरी का जो कॉम्पिटिशन बीच में आया था ना वो हट जाएगा,
ठीक है। अननेसेसरी का कॉम्पिटिशन ये है कि मैंने पहले भी आपसे कहा, एग्जाम्पल पहले भी मैंने दिया है कि यूपीएससी के स्टूडेंट से आप पूछो कि आप यूपीएससी के स्टूडेंट से पूछो भैया आसाम, एक क्वेश्चन आया, मान लो इमेजिन करते हैं एक क्वेश्चन आया कि बताइए आसाम की राजधानी क्या है। अब ये क्वेश्चन का आंसर तो एक यूपीएससी का स्टूडेंट भी दे देगा और एक बच्चा छोटी क्लास में पढ़ रहा वो भी इसका आंसर दे देगा, ठीक है। उससे पूछा भैया वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, कोई तो भी आंसर दे देगा सुन के, ठीक। लेकिन यदि वो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कोलकाता को अंग्रेजों ने जो है वो पहला कैपिटल क्यों बनाया, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजिक कारण थे, अब यहाँ पर तो भैया एनालिसिस करना पड़ेगा, यहाँ पर तो हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा कि कोलकाता कैपिटल थी, उसके पीछे क्या कारण था, क्यों कोलकाता से कैपिटल को उन्होंने शिफ्ट किया बाद में, क्यों दिल्ली में मुगल कैपिटल थी, मतलब बहुत सारे अब आपको जो है वो दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें। तो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है ना, बेसिकली वो जानकारी नहीं चाहता, वो आपसे आपके नॉलेज का एक रिफ्लेक्शन चाहता है आपसे। मैं कहता हूँ कि मैंने इतने एग्जाम देखे अब तक, मैं कह दूँ आपसे कि यूपीएससी ने अपना जो स्टैंडर्ड मेंटेन किया है ना, वो कोई मेंटेन नहीं कर पाया आज तक। हाँ, दूसरा है कि आईआईएम के अंदर जब आप पढ़ते हो क्लासेस, जो पढ़ाने का तरीका आईआईएम के प्रोफेसर का है, जो आईआईएम के प्रोफेसर पढ़ाते हैं ना क्लास में, मतलब वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब सीनियर प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं आईआईएम के ओन फुटकर कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो ऑनलाइन ऑफर करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, जो प्रॉपर उनका एमबीए है ना उसमें वो जबरदस्त पढ़ाते हैं। आपका मतलब दिमाग का ओपन करके रख देते हैं कि मतलब ये कि आपका आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो जाहिर सी बात ये है कि मैंने आपसे कहा ना कि जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है ना, उन पर हमको फोकस करना ही नहीं चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए उन चीज़ों पर जो हमारे हाथ में, हमारी क्षमताएं, हम कितना एफर्ट कर सकते हैं, हम क्या और सोच सकते हैं, ये सब हमारे हाथ में होता है। और सिंपल सी बात ये है कि देखो बेटा क्या होता है, द वर्ल्ड इज अनप्रेडिक्टेबल, दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है, उसको प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप अपने लिए अपनी मेहनत के लिए अपने आप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछना बंद करो आप कि क्या होगा 25 में, ठीक है। सिंपल सा मैं कहता हूँ आपसे कि जीत में ना हार में मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में, अपने आप को इतना स्ट्रांग करो कि यार सिलेक्शन हो चाहे ना हो, सब्जेक्ट का नॉलेज तगड़ा हो जाए, सिलेक्शन हो चाहे ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट आना चाहिए आपको, कुछ भी करोगे ना लाइफ में। अभी मैंने बायोटेक्नोलॉजी शुरू किया ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो मेरे बच्चों को ये बताया था कि बेटा कभी घबराओ मत, MBBS हमारा ड्रीम है मानता हूँ मैं, लेकिन MBBS के अलावा और भी चीज़ें हैं। यदि कोई मुझसे पूछेगा भैया कि आप बताइए सर क्या करें, तो मैं बोलता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन आपको एब्रॉड जाना पड़ेगा, आपको यहाँ ग्रेजुएशन करके आपको बाहर निकलना पड़ेगा, या आपको बाहर से ग्रेजुएशन करने के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग इंडिया में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जॉब रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है जानकारी का अभाव है बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो आज की लर्निंग क्या है, उन चीजों पर फोकस मत कीजिए जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उन पर फोकस करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, जीतने का पहला मंत्र यही है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।